दोस्तों, सच दोस्त प्रोग्राम में वेलकम। तो क्या आप तैयार हैं बाइबल मुकद्दस के एक और नए किरदार से मिलने के लिए? जानना चाहते हैं आपके आज हम कहां जा रहे हैं? हमारे साथ रहिएगा। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहाँ कौन रहता है? तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ रहते हैं मुकद्दस तीतस, जो कि ना सिर्फ एक दलेर और बुलंद हौसलामंद शख्स हैं, बल्कि एक अच्छे रहनुमा की खूबियाँ भी रखते हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि वो यीशु मसीह के सच्चे दोस्त कैसे बने। मुकद्दस तीतस, मैं कैप्टन सारा आपको सच्चे दोस्त प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हूँ। मिलकर खुशी हुई कैप्टन, और मेरा नाम तो आप पहले ही जानते। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं आपका नाम तो पहले से जानती हूँ, लेकिन मैं आपके नाम का मतलब नहीं जानते। ऐसी बात है तो अब बता देता हूँ कैप्टन, मेरे नाम का मतलब है मौजूद या मजबूत। अरे वाह, आपके नाम का मतलब तो बिल्कुल आपके शख्सियत के जैसे है। बहुत खूब, बहुत मेहरबानी। और कैप्टन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यूनानी घराने का फर्द था। अच्छा, तो आप यहूदी खानदान से ताल्लुक नहीं रखते थे? जी नहीं, मैं यहूदी मजहब का मानने वाला नहीं था। ये तो हैरानकुन बात है। तो मुझे बताएं कि फिर आपने यीशु मसीह को कैसे कबूल किया? कैप्टन, खुदा ने अपने बंदा मुकद्दस पालूस रसूल के वसीला मुझे अपने नाम की पहचान बख्शी और मैंने मसीहत को कबूल किया। तो मुकद्दस तीतस, इसका मतलब आप मुकद्दस पालूस रसूल के शागिर्द हैं। आपने दुरुस्त कहा कैप्टन, मुझ पर यह खुदा का खास फजल हुआ कि मैं मुकद्दस पालूस रसूल के वसीला अपनी निजात देने वाले यीशु को जान सकूं कि वो कैसा बुजुर्ग और रहीम है। बेशक, खुदा जिसको चाहता है चुनता और इस्तेमाल करता है। बेशक। मुकद्दस तीतस, आपका और मुकद्दस पालूस रसूल का कैसा रिश्ता था? कैप्टन, मुकद्दस पालूस रसूल ने हमेशा इस तरह फिक्र की कि जैसे कोई अपने बेटे की करता है, और वो मेरे लिए रूहानी बाप से कम नहीं थे। इसके अलावा मैंने भी एक दोस्त और मददगार की तरह उनके साथ खिदमत की। नहायत दिलचस्प मालूमात दी आपने। तो फिर आपने मुकद्दस पौलुस रसूल के साथ कहां कहां खिदमत की? कैप्टन, मैंने पौलुस रसूल के साथ एशियाई कूचक और यूनान में खिदमत की। इसके अलावा मुकद्दस पौलुस रसूल के तीसरे शारदीय सफर के दौरान मुकद्दस पौलुस रसूल ने एक नुमाइंदा की हैसियत से मुझे करिन्थस भेजा, ताकि अपनी निगरानी में यरूशलेम के मसीहों के लिए चंदा जमा करूं। जी जी, याद आया। इसीलिए दूसरा क्रंथियों उसका आठवां बाब और उसके बारहवीं आयत में मुकद्दस पौलुस रसूल ने बयान भी किया है। मेरा जाती ख्याल है मुकद्दस तीतस कि मुकद्दस पौलुस रसूल आप पर बहुत भरोसा करते थे, तभी तो उन्होंने इतनी जिम्मेदारी का काम आपको सौंपा। सो तो है कैप्टन, यही वजह है। इसके बाद जब मैं मुकद्दस पौलुस रसूल के साथ क्रीते के जजीरे पर गया, तो उन्होंने क्रीते से जाते हुए क्लीसिया की निगरानी का काम मेरे सुपुर्द किया, ताकि वहां पर क्लीसिया को मसीह में मजबूत करूं। बहुत खूब। तो मुकद्दस तीतस, क्रीते की क्लीसिया में खिदमत के बारे में आप कुछ बताएंगे? कैप्टन, चूंकि वो इब्तदाई क्लीसिया का दौर था, और हर जगह जहाँ क्लीसिया मौजूद होती, जरूरत थी कि कोई रहनुमा जो क्लीसिया को मसीह यीशु के बारे में दुरुस्त तालीम दे, ताकि लोग झूठे उस्तादों की बातों से गुमराह ना हो, जो कि क्रीते के मसीहों के ईमान के लिए बड़ा खतरा था। मुकद्दस तीतस, झूठे उस्तादों से लोगों को आगाह करना, ये तो यकीनन नहायत ही हौसला मंदी का काम है। कैप्टन, ये जरूरत और दिलेरी की हकीकी मिसाल तो यीशु की जिंदगी से मिलती है, कि जब वो ऐ रियाकार फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, क्योंकि ना तो आप दाखिल होते हो और ना दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते हो। ऐ रियाकार फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम बेवाओं के घरों को दबा बैठते हो और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हो, तुम्हें ज्यादा सजा होगी। ऐ रियाकार फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि एक मुरीद करने के लिए तरी और खुश्की का दौरा करते हो, और जब वो मुरीद हो चुकता है
तो उसे अपने से दूना जहन्नुम का फर्जंद बना देते हो। ए अंधे राह बताने वालों, तुम पर अफसोस जो कहते हो कि अगर कोई मकदस की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन अगर मकदस के सोने की कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। ए अहमको, और अंधो, सोना बड़ा है या मकदस जिसने सोने को मुकद्दस किया? और फिर कहते हो कि अगर कोई कुर्बान गाह की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन जो नजर उस पर चढ़ी हो अगर उसकी कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। ए अंधो, नजर बड़ी है या कुर्बान गाह जो नजर को मुकद्दस करती है? बस जो कुर्बान गाह की कसम खाता है वो उसकी और उन सब चीजों की जो उस पर हैं कसम खाता है, और जो मकदस की कसम खाता है वो उसकी और उसके रहने वाले की कसम खाता है, और जो आसमान की कसम खाता है वो खुदा के तख्त की और उस पर बैठने वाले की कसम खाता है। बहुत खूब, यीशु मसीह ने कमाल बहादुरी से खुदा बाप की बातें लोगों तक पहुंचाई। जी हाँ, और उसने किसी की परवाह किए बगैर दिलेरी दिखाई ताकि लोग झूठी बातों से गुमराह ना हो। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि मसीह के इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाए ताकि दुनिया गुमराही से बच जाए। बिल्कुल सही। तो आप हमारे देखने वाले बच्चों को बाइबल मुकद्दस की कौन सी आयत सिखाना चाहेंगे? क्यों नहीं, प्यारे बच्चों, आए मिलकर बाइबल मुकद्दस की ये आयत सीखते हैं। तितस उसका दूसरा बाप, उसकी 11वीं आयत। खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि खुदा का वो फर्ज जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बाइस है। आमीन। किस कदर प्यारी आयत सिखाई आपने। बेशक खुदा बाप ने यीशु मसीह की सूरत में पूरे जहान पर फजल किया है। तो अब मैं चाहूंगी कि आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को कोई पैगाम दें। ऐसा है तो फिर जो नसीहत मुझे की गई, मैं वही सब देखने और सुनने वालों को करना चाहूंगा। मसीह के अच्छे पैरोकारों की तरह पूरे इख्तियार से दूसरों को मसीह की खुशखबरी दे और उन्हें ईमान में मजबूत करे। आपका बहुत शुक्रिया मुकद्दस दीदी, आपने इतनी खूबसूरत और इतनी मुनफरिद बातें सिखाई। कैप्टन, मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। शुक्रिया करना तो बनता है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। फिर तो आपका ज्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे आने की दावत दी। आप पर मसीह की सलामती। आप पर भी हो। खुदा हाफिज़। जी तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मुकद्दस तीतुस की जिंदगी से बहुत कुछ सीखा होगा और खूब बरकत पाई होगी। मैं आपको मुकद्दस तीतुस के बारे में चंद एक बातें और बताना चाहती हूँ। मुकद्दस तीतुस इंतहाई हाजिर दिमाग और अच्छी बातों में पहल करने वाले शख्स थे। इनमें मुकद्दस पौलुस रसूल की तरह जज्बा और दिलेरी पाए जाते थे। इन्होंने क्रीते में खिदमत की, जो कि मौजूदा दौर में यूनान का एक बड़ा जजीरा है, और बाइबल मुकद्दस में एक खत भी इनके नाम से मंसूब है जो कि तीतुस के नाम खत है। तो दोस्तों, यीशु मसीह की खिदमत को लोगों तक पहुंचाने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें चाहिए कि मुकद्दस तीतुस की तरह बड़ी दिलेरी और बहादुरी के साथ यीशु मसीह के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाएं ताकि बहुत सी रूहों को बचा सके। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं एक और नए एपिसोड में एक और नए किरदार के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।